कहानी 25,000 रुपए से करोड़ों का साम्राज्य बनाने वाले मधुसूदन राव की। यदि आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो फिर चाहे जितनी भी मुश्किलें आए आप अपनी मंजिल को पाकर ही रुकेंगे। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही शख्सियत को समर्पित है जिन्होंने साबित कर दिया कि व्यक्ति की चाहत के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पैदा हुए मधुसूदन राव के बारे में। मधुसूदन राव आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक गरीब और अशिक्षित परिवार में जन्मे। इनका परिवार जमींदारों के घर मजदूरी करने का काम किया करता था। पिता खेतों में और माताजी एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करती थी। काम के एवज में उन्हें जमींदार से सिर्फ भोजन मिला करता था। परिवार बड़ा होने की वजह से 18 घंटे की मजदूरी के बाद भी उन्हें एक पेट खाना नसीब नहीं हो पाता था। दयनीय आर्थिक स्थिति के बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। दलित समाज में जन्मे मधुसूदन राव को सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के लिए डटे रहे, हार नहीं मानी। गांव के स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। साथ ही नौकरी पाने की चाहत में इन्होंने पॉलिटेक्निक भी कर लिया। पॉलिटेक्निक का कारण था कि जल्द से जल्द नौकरी करके अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। लेकिन पॉलिटेक्निक करने के बाद जब वो कहीं नौकरी के लिए जाते तो वहां उन्हें रेफरेंस मांगा जाता। फिर निराश होकर उन्होंने अपने भाइयों के साथ मजदूरी करने की ही राह चुन ली। साथ ही साथ उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी नौकरी की। एक दिन किसी कंपनी में मधुसूदन राव इंटरव्यू देने गए तो वहां उन्होंने दो अधिकारियों को मजदूरों की आवश्यकता को लेकर बातचीत करते हुए सुना। इन अधिकारियों को किसी केबल प्रोजेक्ट के लिए भारी संख्या में मजदूरों की जरूरत थी। मधुसूदन ने देर न करते हुए उनसे मजदूरों का ये टेंडर ले लिया। इस टेंडर को सफलतापूर्वक निपटाते हुए उन्होंने 25,000 रुपए की आमदनी की। जीवन की पहली सफलता ने उन्हें खुद की एक कंपनी खोल इस काम को बड़े स्तर पर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने MMR ग्रुप के नाम से अपने सपनों की नींव रखी। शुरुआती दिनों में उन्होंने मजदूरों की सप्लाई का ही काम शुरू किया। उन्होंने बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के लिए केबल बिछाने का काम 4 से ज्यादा राज्यों में किया। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस का फैलाव किया। आज ये कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज MMR ग्रुप के बैनर तले 20 से ज्यादा कंपनियां टेलीकॉम, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करते हुए करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं। मधुसूदन आज भारत के एक सफल पूंजीपतियों की कतार में शामिल है, लेकिन आज भी वो दिन भर में 18 घंटे तक काम करते हैं। मधुसूदन की सफलता हमें ये प्रेरणा देती है कि कठिन मेहनत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे से मुश्किल कठिनाइयों को भी परास्त किया जा सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।